Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अगर सोचिए कि कोई पार्टी जो है वो चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और चुनाव में वो चाह रही है कि अकेले अपने दम पर एकदम सबको फतह कर दिया जाए, लेकिन उसी कड़ी में आप ही के सांसद आप पर निशाना साधने लगे और आपको कमजोर बताने लगे, तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसा ही हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दलितों को भी साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए रामजी लाल सुमन और अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। इस पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक रहमान वर्ग की प्रतिक्रिया भी आ गई है। जी हाँ, बात करें तो सांसद साहब आखिर बोले क्या है। सांसद वर्ग ने कहा है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ दलित हमारी पार्टी में आ सकते हैं। जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह से ये काम करेंगे वो आगे वक्त बताएगा, अभी मैं इससे नहीं कह सकता हूँ। अभी मेरी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई है, मैं इनकी कमेटी में शामिल भी नहीं हूँ। वो किस तरह पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं ये उनसे बातचीत करने के बाद पता चलेगा। सबको साथ लेकर चलने पर पार्टी अच्छा कर पाएगी। शफीक रहमान वर्ग ने कहा कि हर चीज मुमकिन है, जिसको आप नामुमकिन समझते हैं वो भी मुमकिन है। जहां तक 2024 की बात है तो वहां बीजेपी अकेले खड़ी है और इधर पूरा विपक्ष। बीजेपी को अकेले सपा द्वारा हराने के सवाल पर उन्होंने कहा, इतना तो मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी और सब मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी को हरा देंगे। अकेले तो सपा के पास इतनी ताकत नहीं है, और भी कई पार्टियां हैं, जब मिलजुल कर एकजुट होकर काम करेंगे तो निश्चित ही हरा देंगे। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय अधिवेशन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसमें 2024 की रणनीति को लेकर तमाम तरीके की बातें हुई और इसमें शफीक रहमान को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सवाल भी उठाए थे। लेकिन अब इस कड़ी में जिस तरीके से उन्होंने सपा को अकेले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे सकती है, उसके बाद ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बाकी इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।